आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक है द्रौपदी स्वयंवर। चलिए शुरू करते हैं। स्वयंवर सभा में अनेक देशों के राजा महाराजा एवं राजकुमार पधारे हुए थे। एक ओर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा गणमान्य यदुवंशियों के साथ विराजमान थे। वहां वे ब्राह्मणों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में राजकुमारी द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए अपने भाई घृतधूम के साथ उस सभा में पहुंची। घृतधूम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे विभिन्न देशों में और देशों से पधारे राजा महाराजाओं एवं अन्य गणमान्य जनों, इस मंडप में बने स्तंभ के ऊपर बने हुए उस घूमते हुए यंत्र पर ध्यान दीजिए। उस यंत्र में एक मछली अटकी और लटकी पड़ी है तथा यंत्र के साथ घूम रही है। आपको स्तंभ के नीचे रखे हुए तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए वाण चलाकर मछली की आंख को निशाना बनाना है। मछली की आंख में सफल निशाना लगने वाले से मेरी बहन द्रौपदी का विवाह कराया जाएगा। एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे कांतिहीन होकर अपने स्थान में लौट आए। इस असफल लोगों में जरासंघ, शल, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित हुए थे। कौरवों के असफल होने पर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष उठाया, किंतु उन्हें देखकर द्रौपदी बोल उठी, यह सूत पुत्र है, इसलिए मैं इसका वरण नहीं कर सकती। द्रौपदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण वहीं रख दिया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की पंक्ति से उठकर अर्जुन ने निशाना लगाने के लिए धनुष उठाया ही था, एक ब्राह्मण को राजकुमारी के स्वयंवर के लिए उगत देख वहां उपस्थित जनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। किंतु ब्राह्मणों के क्षत्रियों से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें कोई रोक ना सका। अर्जुन ने तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मछली की आंख में छेद कर दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालते देख समस्त क्षत्रिय राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सहायता के लिए शेष पांडव भी वहां आ गए और पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं में घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करके युद्ध को शांत करा दिया। दुर्योधन ने भी अनुमान लगा लिया कि निशाना लगाने वाले अर्जुन ही रहा होगा और उसका साथ देने वाले शेष पांडव रहे होंगे। वारणावत के लाक्षाग्रह से पांडवों के बच निकलने पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य होने लगा। पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां वे अपनी माता कुंती के साथ निवास कर रहे थे। द्वार से ही अर्जुन ने पुकार कर अपनी माता से कहा, माते, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। उस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में ही मिल बट कर उसका उपभोग कर लो। बाद में ये ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधु के रूप में है, कुंती को अत्यंत पछतावा हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए कुंती ने पांचों पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पांडवों के
द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास पर पहुँचे। कुछ काल पश्चात उनके पीछे पीछे कृष्ण भी वहाँ आ पहुँचे। कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के चरण स्पर्श कर के आशीर्वाद प्रदान किया। सभी पांडवों के वे गले भी मिले। औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे द्वारकाधीश, आपने हमारे इस अज्ञातवास में हमें पहचान कैसे लिया? कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम और अर्जुन के पराक्रम को देखने के पश्चात भला मैं आप लोगों को कैसे ना पहचान पाता। सभी से भेंट मुलाकात करके कृष्ण वहां से अपनी नगरी द्वारका चले गए। फिर पांचों भाइयों ने भिक्षावृत से भोजन सामग्री एकत्रित की और उसे लाकर माता कुंती के सामने रख दिया। कुंती ने द्रौपदी से कहा, देवी, इस भिक्षा से पहले देवताओं के अंश निकालो, फिर ब्राह्मणों को भिक्षा दो, तत्पश्चात आश्रितों का अंश अलग करो। इसके बाद जो शेष बचे उसका आधा भाग भीम को और शेष आधा भाग हम सभी को भोजन के लिए परोसो। पतिव्रता द्रौपदी ने कुंती के आदेश का पालन किया। भोजन के पश्चात कुशासन पर मृगचर्म बिछाकर वे सो गए। द्रौपदी माता के पैरों की ओर सोई। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, गृध्रुम एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे ब्राह्मण पांडवी हैं। उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने गृध्रुम को भेजकर उन्हें अपने राजप्रसाद में बुलवाया। राजप्रसाद में द्रुपद एवं ध्रुमधुम ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नाभूषणों तथा रत्नमणियों आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों उन सभी ने बहुत अधिक रुचि प्रदर्शित की और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मण के रूप में कोई तो योद्धा है। द्रुपद ने युधिष्ठिर से पूछा, हे आर्य, आपके पराक्रम को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं। कृपा करके आप अपना सही परिचय दीजिए। उनके वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपका कथन अक्षर सत्य है। हम पांडुपुत्र पांडव हैं। मैं युधिष्ठिर हूँ और मेरे भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव हैं। हमारी माता कुंती आपकी पुत्री द्रौपदी के साथ अपने महल में हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह पांडु के पराक्रमी पुत्र अर्जुन के साथ ही हो। मैं आज ही अर्जुन और द्रौपदी के विविध विवाह का प्रबंध करता हूँ। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी का विवाह तो हम पांचों भाइयों के साथ होना है। यह सुनकर द्रुपद आश्चर्यचकित हो गए और बोले, ये कैसे संभव है? एक पुरुष की अनेक पत्नियां अवश्य हो सकती हैं, किंतु एक स्त्री के पांच पति हो ऐसा तो कभी नहीं देखा गया है और ना ही सुना होगा। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, ना तो मैं कभी मिथ्या भाषण देता हूँ और ना ही बात करता हूँ, कोई कार्य धर्म या शास्त्र के विरुद्ध करता हूँ। हमारी माता ने हम सभी भाइयों को द्रौपदी का उपभोग करने का आदेश दिया है और मैं माता की आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। इसी समय वहां पर देवव्यास जी पधारे और उन्होंने द्रुपद को द्रौपदी के पूर्ण जन्म में तपस्या के प्रसन्न होकर शंकर भगवान के द्वारा पांच पराक्रमी पति प्राप्त करने के वर देने की बात बताई। वेदव्यास जी ने वचनों को सुनकर द्रुपद को संदेह समाप्त हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी का पाणिग्रहण संस्कार पांचों पांडवों के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया।
इस विवाह में विशेष बात यह हुई कि देवर्षि नारद ने स्वयं पधारकर द्रौपदी को प्रतिदिन कन्या रूप हो जाने का आशीर्वाद दिया। पांडवों के जीवित होने तथा द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात तेजी से सभी ओर फैल गई। हस्तिनापुर में इस समाचार के मिलने पर दुर्योधन और उनके सहयोगी के दुख का पारावार ना रहा। वे पांडवों को उसका राज लौटाना नहीं चाहते थे, किंतु भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के द्वारा धृतराष्ट्र को समझाने तथा दबाव डालने के कारण उन्हें पांडवों को राज का आधा हिस्सा देने के लिए विवश होना पड़ा। विदुर पांडवों को बुला लाए। धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकर्ण, चित्रसेन आदि सभी ने उनकी अगवानी की और राज का खांडव वन नामक हिस्सा उन्हें दे दिया गया। पांडवों ने उन खांडव वन में एक नगरी की स्थापना करके उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा तथा इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाकर राज करने लगे। युधिष्ठिर की लोकप्रियता के कारण कौरवों के राज के अधिकांश प्रजानन पांडवों के राज में आकर बस गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी द्रौपदी का स्वयंवर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं और ऐसे ही महाभारत के पात्रों की उल्लेख सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।